हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। रात में घूमने उमने के बाद मैं रात में जल्दी सो गया था, क्योंकि सुबह 4 बजे से हमारी बस थी यहाँ से सोनप्रयाग के लिए। तो अभी हो रहे हैं 3:30। हम लोग होटल से चेकआउट वगैरह करके सभी लोग निकल चुके हैं और फिर हम लोग पहुँचेंगे यहाँ से सोनप्रयाग। अब बस हमारी अभी है, फिर पहुँचूँगा, फिर आगे का जो सफ़र है वो आपके साथ साझा करूँगा। हम लोग यहाँ से चेकआउट करके बाहर निकलते हैं, मेन रोड पे आते हैं। अब यहाँ से हम लोग ऑटो वगैरह करेंगे। बैग रख लो भाई, मैं कहीं भी हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। बैग रख लो मेरा भाई, बैग रख दो। कितने रुपए लेंगे भाई? चलो ठीक है, ओके भाई। इस नज़ारे को देखने के लिए तरस गया भाई। तो अभी सोनप्रयाग से पहले हमारी बस एक ढाबे पर रुकी हुई है, चाय नाश्ता हम लोगों ने किया है। चाय नाश्ता सब लोग कर चुके हैं, मैं भी कर चुका हूँ ऑलमोस्ट। तो आपको इस जगह जब आएंगे उसके वायर का व्यू दिखाता हूँ, क्या बेहतरीन व्यू है। अब इस ढाबे का सभी लोग नाश्ता कर रहे हैं, अब बाहर का व्यू दिखाता हूँ भाई, क्या व्यू है भाई देखो भाई। प्रगति का खेल, हेलो गाइस। तो आप लोगों को बता देना चाहता, थोड़ा अपडेट करा दूं कि सुबह हम लोग निकले थे 4 बजे और अभी समय क्या हो रहा है, 12:19 हो रहा है और गुप्त काशी आ गए हैं। यहाँ से केदारनाथ 47 किलोमीटर लगभग है और फिर यहाँ के बारे में कि यहाँ से हम लोग फिर चलेंगे और थोड़ा सा रेस्ट है यहाँ पर, फिर इसके बाद आगे का जो स्टोरी है वो हम आपको बताएंगे। पीछे आप तो केदारनाथ का आपको बोर्ड दिखाते हैं जो 47 किलोमीटर आप दिखा रहा है, यहाँ दिखाता हूँ आपको। केदारनाथ 47 किलोमीटर, गौरीकुंड 33, पहुँचने वाले हम लोग हैं। अब थोड़ा यहाँ स्टे करेंगे, देख लीजिए व्यू आपका क्या लोकेशन है। हर हर महादेव मित्रों, तो समय बज गया 2 और अब हम लोग पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। और सोनप्रयाग के अभी जस्ट हम लोग बस से उतरे हैं, सुबह हम लोग बैठे हुए थे 4 बजे, पहुंचते पहुंचते अब हम लोग आ चुके हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग का आप नज़ारा देख सकते हैं। भंगड़ा पा रहा था मैं, लेकिन कर ना पा रहा का नज़ारा है। अरे आपने साउंड उठा लिया था। तो अब हम लोग थोड़ा चल के जाएंगे आगे होटल तक, आपको सारा व्यू दिखाता हूँ यहाँ का कैसा है। तो सोनप्रयाग का आप नज़ारा देख सकते हैं, ये है सोनप्रयाग, व्यू देखिए आप। तो एक बार फिर पैदल यात्रा शुरू हो गई है, ये गौरीकुंड तक हम लोगों की कुछ दूरी पर पैदल यात्रा होगी। अभी हम लोगों ने केदारनाथ मंदिर की ओर पैदल की यात्रा नहीं शुरू करी है। मेरे ब्लॉग में एक जेन्युइन चीज़ें आप लोगों को देखने मिलेंगी जो एक आम जनता के साथ, आम लोगों के साथ होती है, उन्हें कोई जानकारी नहीं होती, जैसे मुझे भी कोई जानकारी नहीं है। जो फील कर रहा हूँ वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आगे दिखाता हूँ। देख सकते हैं हमारे साथ जितने मित्र सहयोगी आए हैं, साथ में चल रहे हैं, साइड में आ जाओ। तो गाड़ियाँ भी चल रही हैं, ये देखिए व्यू देखिए, गाड़ी चल रही है।
जब हम लोग बड़े हैं तो एक यहाँ पर जो नियम कानून लिखे हैं आपको बता दो, गर्म कपड़े जरूर रखें, ट्रैकिंग शूट होना चाहिए, रेनकोट, छाता, मफलर, टोपी, ये सब होना चाहिए। केदारनाथ धाम की पैदल दूरी गोरीकुंड से लगभग 16 किलोमीटर दूरी है, ये सब पूरी डिटेल लिखी है, आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। इसमें टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं ताकि रास्ते में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ये पार्किंग की व्यवस्था नीचे है सोनप्रयाग में। ये हमारे साथी मित्र डटे हुए हैं। हर हर महादेव मित्रों, तो प्रयागराज आ चुके हैं, हम सभी लोग प्रेसरस हो चुके हैं। प्लान था, ये हमारे साथ हिमांशु हैं जो पूरी ट्रिप के साथ हमारे साथ रहे हैं, 9 लोगों का जो जत्था है उसमें भी हिमांशु हमारे साथ हैं। पीछे हमारे साथ हिमांशु के भाई हैं जो कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई? बनबसा से बिलोंग करते हैं, हमें ये भी हमारे साथ जत्थे में हैं। तो अभी हम हैं प्रयागराज में, हम आपको बता देना चाहते हैं समय कितना हो रहा है अभी? चार बज रहे हैं अभी और 3:56 मतलब लमसम 4 बजने वाला है। तो हम लोग सुबह 3 बजे चले थे और अभी फ्रेश व्रेश होके नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गए, हमने सोचा चले यहाँ घूमते हैं, व्यू दिखाते हैं। सुबह 4 बजे केदारनाथ की यात्रा के लिए भी हम लोगों को निकलना है, उससे पहले मौसम ने ले करवट ली हम लोगों के साथ, बारिश शुरू हो गई है। तो ये हम आपको दिखाते हैं बाहर का व्यू कि क्या हो चुकी है बारिश, जैसे हम लोग बाहर निकले ये बारिश शुरू होने शुरू हो गई है। अब आपको पलट के दिखाते हैं कैसा है माहौल यहाँ का भाई, जन्नत वाली फीलिंग आ रही भाई। अपना बच चले तो भाई लाइफ टाइम के लिए यहीं रुक जाऊं भाई, ऐसी फीलिंग आ रही है अपने को, देख सकते हैं भाई। मतलब बाबा के दर्शन करने के लिए सालों से प्रार्थना कर रहे थे, आज बाबा ने सुनी है, आज अपने चरणों में बुला लिया है। बस अब घर बाबा का कुछ ही दूरी पर है और सुबह यात्रा शुरू होगी और बाबा के घर पहुंच जाएंगे और घर पे कल विश्राम होगा बाबा के साथ। हर हर महादेव मित्रों, हर हर महादेव, सभी लोग जयकारा लगा दें एक बार। तो भाई क्या मौसम है, क्या नजारा है, लग रहा है भाई जन्नत में आए हैं, बाबा की गोद केदारनाथ में मौजूद हैं, केदारनाथ धाम पे मौजूद हैं। देखिए भाई क्या भाई, शंभू। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोगों के लिए खुशखबरी यह है कि बारिश हुई थी थोड़ी देर, आधे घंटे बारिश हुई, फिर मौसम खुल गया है, फर्स्ट क्लास मौसम, बिल्कुल पानी बंद हो गया है। सुबह यात्रा के लिए भी निकलना हम लोगों को। और व्यू देखिए भाई साहब पीछे, ये पहाड़ है मेरे पास, देख रहे हो भाई, ऐसा लग रहा है ऐसे छू लो जाके, ज़्यादा तो पास मत जाओ, दूर रहो। ये पीछे देख रहे हो भाई, आप आज जो आ रही है फीलिंग महसूस करो उसको, वाह भाई आत्मा तृप्त हो गई भाई, लग रहा है कि महादेव की नगरी में, देख रहे हो भाई, आपको सामने का व्यू का नज़ारा कराता हूँ मैं। देखो भाई जन्नत बोलते ना, स्वर्ग से हवा आती है, अरे न देख के आत्मा खुश हो जाती भाई। ये आवाज सुन रहे हैं भाई, देख रहे हो भाई, तो अभी सोनप्रयाग की मार्केट में हम लोग घूम रहे हैं। समय हो चुका है, कितना समय हुआ भाई, 5:30 हुआ होगा और ये नजारा है भाई, 6:44 हो गया, सॉरी समय का भाई आइडिया नहीं रहता यहाँ पर मौसम को देखते हुए, वो देख रहे हो छोटी अलग ही ले अच्छा सुबह के लिए। तो देख सकते हैं सोनप्रयाग की मार्केट, वही उतना उतर के घूम के आना पड़ेगा ये पूरा, जब आप आएंगे पूरा भाई। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि समय हो चुका है 8 और बाहर हो रही है बारिश,
और हम लोगों का प्लान बनाया है कुछ खाने पीने का। तो आप देखते हैं हम लोग टीम जो है हमारे साथ का जो समूह वो तैयार हो रहा है। तो देखते हैं कि कौन कौन रेनकोट पहना है। तो देख सकते हैं रेनकोट पहन के तरह तरह के वैरायटी नजर आएंगी। ये नीला बैंगन, ये वाइट बैंगन, ये रेनकोट पहन के इसके अंदर पानी नहीं घुसेगा। और ये पीला जादू जो कोई मिल गया वाली पिक्चर जरूरी थी उसका जो जादू हमारे साथ में है। और पूरे से पूरे भाई जो ये रेनकोट आप कहाँ लिए थे? जादू के पैर भी दिख रहे हैं। ये रेनकोट कहाँ लिए थे आप? अच्छा घर से लाए थे, तो पूरी सुरक्षा है इसमें। बस इसके लिए पहन तो अच्छी बात है, बस माचिस तीली का ध्यान रखना, सिगरेट ना पिए आप कतई इसको पहन के, तो वरना आपके लिए घाटा हो सकता है। और ये इनकी तो बातें ना करो, तो लड़ाई हो जाएगी। अभी आप देख रहे हैं ये टोपा मेरा निकला है, ये एडिट कर दूंगा मैं, ये नहीं दिखेगा आपके कैमरे में। तो ये हमारी मैगी बन रही है। तो कहा जाता है कि मैगी पहाड़ों की रानी है। अगर आप पहाड़ों पर आए हों, अगर आपने मैगी नहीं खाई तो पहाड़ों पर आना बेकार है। तो हमारे लिए बाबा मैगी बना रहे हैं। तो हम लोग यहाँ जा रहे थे तो हमने कहा बाबा बनाए मैगी ज़रूर बनाएंगे हम लोगों के लिए। बाबा ने कहा स्पेशल मैगी हम लोगों के लिए बनी है, तो बन रही है। साथ ही हमारे दोनों इधर ही बैठे हुए हैं। तो लाइट गई है। कोई नहीं बाबा, ये सब चलता है यहाँ पहाड़ों पर। तो बाबा ने ये भी एक बात बताई, जब 2012 में यहाँ त्रासदी आई थी तो बाबा का घर यहाँ पे गुप्त काशी में, ना गुप्त काशी में, तो वहाँ तक प्रभाव पड़ा था? नहीं, श्रीनगर तक। अच्छा श्रीनगर तक। तो सारा कुछ बाबा के आंखों के सामने ही है। कब से बाबा यहाँ पे आपकी शॉप लगती है? मेरे को अभी 3 महीने। 3 नहीं, इससे पहले कब से आ रहे हैं आप? 98 से बता रहे थे। 98 से बाबा यहाँ आते हैं कंटिन्यू। अच्छा अच्छा अच्छा। तो घर जो है वो गुप्त काशी में आपका? अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ से इस बार फिर आए हैं कोविड के बाद से, फिर से अब सब तीर्थ स्थल शुरू हो गए हैं, भक्तों का आना शुरू हो गया है। तो अब फिर मैगी जिंदाबाद। चलिए तैयार है। बता देता हूँ कि केदारनाथ की यात्रा सुबह में स्टार्ट होगी 4 बजे, फिर हम आपको आगे का व्यू दिखाएंगे। फिलहाल ये ब्लॉग अब यहीं पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ कि शाहजहाँपुर से कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा, ये सारा विवरण मैंने इसमें मेंशन किया है। अब आगे की यात्रा मैं सुबह प्रारंभ करूँगा 4 बजे, तब नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखेंगी कि कैसे क्या केदारनाथ की यात्रा में कैसा सफ़र रहता है, क्या क्या समस्याएँ आती हैं, क्या 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 हैं चीज़ें हम लोगों के साथ रिलेटेड होती हैं, सब जेन्युइन चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा, सब आपके साथ साझा करूंगा। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। खंड के राजा नंदी ने लेके आजा पवित्र जल मां गंगा।